गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 10+2 क्लास। माई सेल्फ चमनलाल ठाकुर, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांगणा, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर इन द यूनिट अल्कोहल फिनोल्स एंड इथर्स। We will discuss about method of preparation of alcohols. Our subtopics are: number one, from haloalkanes; second, from reduction of aldehyde and ketones; third, reduction of carboxylic acids; fourth, from Grignard reagent; fifth, by the hydrolysis of esters; sixth, from alkenes; seventh, in alkenes में ही oxymercuration, demercuration reaction; and last, that is eighth, from aliphatic primary amines. Let us start our topic, method of preparation of alcohols. तो सबसे पहले अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं हम हेलोएल्केन्स से। तो फर्स्ट, प्रेपरेशन फ्रॉम हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स व्हेन बॉइल्ड विद एक्वस NaOH और KOH और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड गिव अल्कोहल्स। रिएक्शन में देखिए जरा, RX यानी कि हेलोएल्केन, KOH एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास ROH यानी कि अल्कोहल मिलेगा, और RX पोटाशियम हेलाइड, जिसको हम सॉल्ट भी कह देते हैं, वो साइड प्रोडक्ट के लिए रूप में निकल जाएगा। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन, ब्रोमो इथेन CH3CH2Br, इसको C2H5Br भी हम लिखते हैं, इसको जब हमने एक्वस KOH के साथ ट्रीट किया, हीट किया, तो हमें CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल मिला और पोटाशियम ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। एक और रिएक्शन देखते हैं, देखिए CH3CH CH3Br यानी कि 2-bromo-propane, दो नंबर पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, 2-bromo-propane को जब हमने एक्वस KOH के साथ हीट किया तो हमारे पास प्रोपेन 2-ol, ये देखिए Br लग गया है यहाँ पे, प्रोपेन 2-ol यानी कि ये प्रोपेन 2-ol बन जाएगा और KBr पोटाशियम ब्रोमाइड हमारे पास साइड प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा। सिमिलर रिएक्शन हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं, ये देखिए C2H5Br व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद AgOH यू विल इथाइल अल्कोहल हमें मिलेगा प्लस AgBr हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है, ब्रोमो इथेन है, ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, हाँ ये हमारे पास इथेनॉल मिल गया, ये इथेनॉल और ये सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल गया। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोएल्केन्स है। टर्शरी हेलोएल्केन्स गिव मेनली एल्केन्स। अगर हम टर्शरी हेलोएल्केन्स को, ये हमने टर्शरी हेलोएल्केन यहाँ पे ली, जब इसका रिएक्शन 3° हेलोएल्केन, 2-bromo-2-methylpropane नाम है इसका, KOH के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या निकल जाएगा, KBr और H2O, ये दो निकल जाएंगे, पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा यानी कि 2-methylpropene हमें मिल जाएगी। तो हेलो एल्केन्स, टर्शरी हेलो एल्केन्स हमें अल्कोहल्स नहीं देती हैं।
दूसरा हमारा मेथड ऑफ प्रेपरेशन है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए एल्डिहाइड इस तरह से होते हैं, ये एल्डिहाइड है और कीटोन का ग्रुप ये होता है, इस दोनों तरफ को आर आर, यहाँ पे आर, इस तरह से ये एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं हमारे। अल्कोहल आर इजीली प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, हम रिड्यूस करेंगे। अब हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कई तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस विद फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और निकल और रोडियम, फिर यह सोडियम और इथाइल अल्कोहल के कम्बिनेशन से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 चार रिड्यूसिंग एजेंट है, इनमें से हम किसी एक का प्रयोग करके एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते हैं। ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल्स, भाइल कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब कि अगर हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे 1 डिग्री के, और अगर हम कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो 2 डिग्री के हमें हमारे पास अल्कोहल्स मिलेंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे ये इथेनॉल है, दिस इज इथेनॉल CH3CHO, जब इसको रिड्यूस किया हाइड्रोजन से, यानी कि रेंजेंट आप जो मर्जी ले लो, इसको लो या इसको लो, हमारे पास इथेनॉल आ जाएगा। क्या होगा इसमें, देखिए रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये टूट जाएगा, यानी कि एक तरफ को ओ और एक तरफ को, यहाँ पे एक एच लग जाएगा, यहाँ पे एक एच लग जाएगा, तो जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पे ओ एच बन जाएगा, हमारे पास इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल हमें मिल गया। और ये देखो एसीटोन है, एसीटोन, इसको हम प्रोपेनोन, कॉमन नेम एसीटोन और IUPAC नाम प्रोपेनोन, इसको जब हमने रिड्यूस किया और रिड्यूसिंग एजेंट वही लिए, तो हमारे पास प्रोपेन टू ओल यानी कि 1, 2, 3 दो नंबर पे OH ग्रुप लग गया हमारे पास, इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी हम कहते हैं। अब नोट है नेक्स्ट कि टर्शरी अल्कोहल कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ इस तरह का ग्रुप होता है, उनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं, ये वाला ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, तो इनसे टर्शरी अल्कोहल हमारे पास नहीं मिलते हैं। अब मैकेनिज्म देखते हैं, ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन है, इट रिएक्ट्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हमने थोड़ा अलग लिख दिया, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉरी LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट रिएक्ट्स विद, ये देखिए होता क्या है यहाँ पे, अब ध्यान देंगे, ये जो लोन पेयर है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी लोन पेयर नहीं, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पेयर, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ से, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ को शिफ्ट करेगा, और AlH3 ये आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा RCRO AlH3, यहाँ पे H और बाहर से लिथियम। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसके साथ एक और RC डबल बॉन्ड O, लिथियम पॉजिटिव, इसके साथ एक और RCR डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड या कीटोन, ये रिएक्ट करेगा। अब इसको मैं नीचे की तरफ को लिखता हूँ कि हमारे पास क्या बनेगा। अब देखिए एक हाइड्रोजन,
यहाँ से एक हाइड्रोजन जैसा यहाँ लगा हुआ है यहाँ लग जाएगा, यानी कि एक ग्रुप हमारे पास ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, तो हमारे पास ये दो ग्रुप बन जाएंगे, यानी कि R2 है दोनों में, सी एच ओ कितने हो जाएंगे ये दो, और यहाँ पे ए एल, एक एच यहाँ चला गया तो ये एच टू हो रहा, और बाहर से लिथियम पॉजिटिव। अब ध्यान देंगे प्लस एक और आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ वैसे ही, और हमारे पास टू की जगह कितने हो जाएंगे, अब तीन हो जाएंगे, आर टू, थोड़ा दूर जैसे लिखें इसको, आर टू सी एच ओ थ्री टाइम्स ए एल एच, और बाहर से एल आई पॉजिटिव। अब इसके साथ एक और आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, ये रिएक्ट करेगा, और ये तीन की जगह कितने हो जाएंगे, चार, आर टू सी एच ओ फोर टाइम्स ए एल एल आई पॉजिटिव। ये हमारे पास चार एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, ये अब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, एच पॉजिटिव और एच टू ओ, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, हमारे पास ये बन जाएगा आर टू सी एच ओ एच, यानी कि टू डिग्री अल्कोहल, क्या बन गया ये टू डिग्री अल्कोहल बन गया, प्लस ए एल ओ एच थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। तो ये मैकेनिज्म है एल्डिहाइड का, इसको आपने देख लेना, पहले एक मॉलिक्यूल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, फिर ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर चौथे के बाद यहाँ पे हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, और हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये टू डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो ये मैकेनिज्म है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट रिएक्ट्स, ये कैटलिस्ट का काम करेगा, जैसे ये हमारे पास इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर की प्रेजेंस में हमें इथेनॉल मिलेगा CH3CH2OH, ये रिडक्शन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर्स की। एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स एंड गिव मिक्सचर ऑफ टू अल्कोहल्स, वन फ्रॉम एसाइल ग्रुप RCO एंड द अदर फ्रॉम अल्कोक्सी ग्रुप OR। अब एस्टर्स देखेंगे, उसमें ये दो ग्रुप होते हैं CH3CO, देखिए एक ग्रुप यहाँ तक OCH3, ये दूसरा एल्कोक्सी ग्रुप है। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ से मिला हमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या हम दूसरा रेजेंट यूज करते हैं सोडियम इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, ये चार हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन देगा हमें, तो चार हाइड्रोजन में दो एक जगह दो दूसरी जगह, तो हमें मिल जाएगा CH3CH2OH और CH3OH, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, ये मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, दो हमारे अल्कोहल्स मिल जाएंगे। अगर अगर हम इनको सेपरेट करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्ट्री व्यूशन के द्वारा हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको बाउबॉल्ट ब्लेन रिडक्शन का नाम भी दिया जाता है, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज बाउबॉल्ट ब्लेन रिडक्शन। फोर्थ हमारा मेथड ऑफ प्रेपरेशन है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रेजेंट, ग्रिगनार्ड रेजेंट होता है RMgX, R इज एनी अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम मेटल है और X इज
एनी हेलाइड एटम, रिडक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड एस्टर्स, ग्रिग्नार्ड रेजेंट, देखिए आर इज अल्काइल ग्रुप, एम जी इज मैग्नीशियम एंड एक्स इज हेलाइड, हेलाइड में क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये हमारे पास आर एम जी एक्स है, आर एम जी एक्स में होता क्या है, मैग्नीशियम बीइंग ए मेटल एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ये आर जो अल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है थोड़ा सा। अब इसका रिएक्शन देखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर तीनों में से कोई एक रिएक्ट्स विद आर एम जी एक्स टू गिव यू एडिशन प्रोडक्ट, ये कॉमन रिएक्शन है हमारा। फिर इसको हम डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो फिर हमें अल्कोहल मिलेगा। तो ये स्कीम है हमारी, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर को और MgX के साथ ट्रीट करो, हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट को डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओ, हमें अल्कोहल मिल जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में आप देखेंगे ये कार्बोनाइल कार्बन है, जहाँ एल्डिहाइड में, कीटोन में, एस्टर्स में ये ग्रुप होता है, और ये RMgX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये ध्यान रखना आपने कि ये रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर में रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे होता क्या है देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये थोड़ा सा इस तरफ को आ जाएगा, इस तरफ को आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये आर कार्बन के ऊपर चला जाएगा और MgX ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, और ड्राई ईथर में ये आर कार्बन के ऊपर आर आ गया OMgX। अब देखिए इसकी हमने हाइड्रोलिसिस की, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये HOH में ये जो OH है ये मैग्नीशियम के ऊपर चला जाएगा और ये जो H है ये ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास ये R यहाँ पे भी कोई ग्रुप है, यहाँ पे भी, और OH, ये हमारे पास अल्कोहल मिल जाएगा, और मैग्नीशियम OH और X ये साइड प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा हमें। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, पहला रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल HCHO CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, इसका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या मिल गया हमें, ये देखिए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली CH3 आ जाएगा यहाँ पे ये इस तरफ को और मैग्नीशियम यहाँ पे, तो ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट ये बन गया CH3 नीचे को OMgBr, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस की हमारे पास तो CH3O के साथ H लग गया, Mg हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास मिल गया, और इथेनॉल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिल गया। तो फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, आल एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल को हम लेते हैं CH3MgBr, तो ये CH3 देखिए वही होगा यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पेयर इधर को और ये CH3 ग्रुप यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन गया इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की हमने, तो ये CH3 2 और OH इस 2 डिग्री कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा, तो इसको बोलेंगे हम प्रोपेन 2-ol यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, और हाइड्रोक्सी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया। तो एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब थर्ड है कीटोन्स गिव्स टर्शरी अल्कोहल, अब ये देखिए एसीटोन या प्रोपेनोन हमने ली मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ड्राई इथर के साथ, यहाँ पे देखिए ध्यान से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर को, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और मैग्नीशियम यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारे पास ये एडिशन प्रोडक्ट मिला ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब इसकी जब हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो ये H पॉजिटिव यहाँ पे चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो हमारे पास ये
3 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हमें मिल गया और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिल गया। तो कीटोन्स हमें क्या देती हैं? टर्शरी अल्कोहल्स। अब फिफ्थ है कि एस्टर्स गिव टर्शरी अल्कोहल्स। अब देखिए HCOOC2H5 इथाइल मिथेनोएट, इट इज़ इथाइल मिथेनोएट या इथाइल फॉर्मेट हम इसको बोलते हैं। ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, देखिए मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ये ऑक्सीजन की तरफ को यहाँ पे, तो ये वाले ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाएगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन गया CH3 नीचे को OC2H5 ये और ऊपर को OMGBr। अब माइनस MgOC2H5Br ये हमारे पास बाहर निकल आएगा ऐसे, ये बाहर निकल जाएगा और हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास ये एल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड। अब फिर दोबारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो हुआ, ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट और इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, तो हमें 2 प्रोपेनोल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल हमें मिल गया। तो एस्टर्स गिव टर्शरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट है बी पार्ट इसका कि बाय द रिडक्शन ऑफ इथाइलीन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन, इथाइलीन ऑक्साइड ऑक्सीरेन ये एक ही नाम है, एक कंपाउंड के दो नाम है। इपॉक्सी एल्केन्स यानी कि जिनमें ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ, अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हो उनको हम इपॉक्सी एल्केन्स बोलते हैं। जैसे ये देखिए नीचे, सच एज ऑक्सीरेन और इथाइलीन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विच आर हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म अल्कोहल्स। ये देखिए ऑक्सीरेन, ऑक्सीजन जो है दो अलग कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, कार्बन चेन लंबी भी हो सकती है। हमने यहाँ पे इथाइलीन ऑक्साइड लिया CH3MgBr। अब क्या होगा भाई, देखिए ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ पे दोनों तरफ से एक तरफ में ये जो इलेक्ट्रॉन हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको अपनी तरफ खींच लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ये इसके ऊपर लग जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 फिर CH2 फिर OMGBr, ये एडिशन प्रोडक्ट मिल गया। इसकी जब हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो CH2OH प्लस MgOHBr ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा और प्रोपेन 1 ओल 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिल जाएगा। तो ऑक्सीरेन यानी कि इथाइलीन ऑक्साइड, इनको हम इपॉक्सी एल्केन्स भी बोलते हैं, इनके साथ रिएक्ट करने पर हमें अल्कोहल मिलते हैं। और फिफ्थ है हमारा कि बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करने पर भी विद एक्वस एल्कलीज, क्या लेना पड़ेगा हमें, एक्वस एल्कलीज पानी में एल्कलीज, जैसे ये हमने यहाँ पे लिया एस्टर और ये लिया NaOH, दिस इज NaOH उल्टा लिख लिया है। अब ये OH क्या करेगा, यहाँ पे RCOONA ये हमारे पास बाहर निकल जाएगा, R-OH अल्कोहल निकल गया और RNA यहाँ पे लग जाएगा RCOONA, ये इसका मैकेनिज्म है। इथाइलीन इथेनोएट ये हमने लिया और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए C2H5OH इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बाहर निकल गया, इसको इथेनॉल कहा गया, और सोडियम एसीटेट ये साइड प्रोडक्ट हमारा बना। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तब भी हमें अल्कोहल मिल जाएंगे। और सिक्स्थ है फ्रॉम एल्केन्स, इसमें फर्स्ट रिएक्शन बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स मीन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो पहला है इनडायरेक्ट प्रोसेस यानी कि थ्रू कंसंट्रेटेड H2SO4 को रिएक्ट करवाएंगे हम, हमें
अल्कोहल्स मिलेंगे। ये देखिए H2SO4, ये देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो ये दोनों OH में इस तरह से H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है स्लाइटली और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा लेकिन काम एक ही H करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही ये H पॉजिटिव अप्रोच करता है जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो पाई बॉन्ड में, ये एक कार्बन की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा और जिस कार्बन की तरफ को ये क्लाउड शिफ्ट होगा वहाँ पे ये हाइड्रोजन H2SO4, ये H2SO4 है H2SO4, ये हाइड्रोजन वहाँ पे लग जाएगा और CH2 में एक और हाइड्रोजन लगा तो हमारे पास CH3 बन गया। तो ये CH3 बना सिंगल बॉन्ड CH2 और ये जो यहाँ पे बैलेंसी क्रिएट होगी ये OSO3OH यानी कि OSO3H, ये हमारे पास इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और बॉयल करने पर जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर का एक एच H2SO4 ले लेगा, H2SO3 ले लेगा, H2SO4 बनाएगा और हमारे पास इथेनॉल हमें मिल जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब इसका हम मैकानिज्म देखते हैं, मैकानिज्म कहीं और देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होता है। मैकानिज्म देखते हैं हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स यानी कि एल्कीन की हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। स्टेप वन, एल्कीन्स गेट प्रोटोनेटेड टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H2H3O, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O। देखिए क्या होता है, ये H2O है प्लस, जब हमारे पास कहीं एसिड है तो H पॉजिटिव देगा, वो हमें H पॉजिटिव देगा तो हमें क्या मिल जाएगा H3O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, हमारे पास स्टेप वन में जो एल्कीन है, एल्कीन में क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, हमारे पास ये इस तरह से डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे प्लस HOHH, ये H3O है, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन यहाँ पे, तो क्या करेगा ये जो डबल बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन के ऊपर, कहीं एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा CC, बाकी ये दो बैलेंसीज थी ही, एक H लग गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ पे आ गया तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट दूसरे कार्बन को चल कर गया तो ये बन गया कार्बोकेटायन। क्या बन गया ये कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन प्लस H2O, वाटर बाहर निकल गया। स्टेप टू में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल H2O अटैक्स द कार्बोकेटायन फॉर्मिंग प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब देखिए हमारे पास ये जो कार्बोकेटायन हमारे पास बना है CC, ये यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है, ये H बाकी दो बैलेंसीज तो थी ही, प्लस OHH यहाँ पे ये अटैक करेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसके पास यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं और हमारे पास ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, एक H तो है बाकी दो बैलेंसीज, यहाँ पे OHH और ये कंपाउंड में बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा। स्टेप थ्री में क्या होता है कि लॉस ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम ऑक्सीजन टू फॉर्म अल्कोहल। ये देखिए अब हमारे पास जो ऊपर वाला कंपाउंड है वो इस तरह से है पॉजिटिव और ये H, बाकी ये दो बैलेंसीज किसी भी चीज़ की हो सकती है,
प्लस एक और वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, एक और वाटर मॉलिक्यूल इसमें आएगा। अब देखिए, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एक एच पॉजिटिव ले लेगा और हमारे पास बन जाएगा सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ ओ एच, यहाँ एच, और ये दो बैलेंसीज पहले ही थी, प्लस एच टू ओ। तो ये थे हमारे पास तीन स्टेप। पहले स्टेप में एल्कीन्स गेट प्रोटोनेटेड, एल्कीन के ऊपर प्रोटोन का अटैक होगा यानी कि H3O का, और हमें कार्बोकेटायन मिलेगा। अब कार्बोकेटायन के ऊपर दूसरे स्टेप में वाटर का अटैक होगा, बिकॉज वाटर इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज इसको दिखा और हमारे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, इसको बोलेंगे हम प्रोटोनेटेड एल्कोहल। फिर इसके ऊपर दोबारा वाटर का अटैक हुआ तो क्या किया इसने, इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल में से एक हाइड्रोजन ले लिया और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया। और सॉरी H3O अलग हो गया और एल्कोहल हमें मिल गया, तो यानी कि वो एच पॉजिटिव हमें वापस मिल गया। तो ये है हमारा मैकानिज्म। सेकंड है हमारा कि रिएक्टिव एल्कीन्स डायरेक्टली ऐड वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्टिव एल्कीन्स हैं, जैसे दिस इज 2-methyl propene रिएक्टिव एल्कीन, H2O यानी कि HOH डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक हो जाएगा H पॉजिटिव यानी कि एसिड की प्रेजेंस में, और हमें 2-methyl propane 2-ol मिलेगा। लेकिन ये किस तरह से अटैक होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, यानी कि मार्कोनिकोफ रूल ये कहता है कि भाइल एडिशन ऑफ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे HBr, HCl और HOH, HOH में H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला एटम हो गया और ये नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह की एडिशन अक्रॉस द अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, नेगेटिव पार्ट हुआ OH, विल गो टू दैट पार्ट विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा, ये वाला इस तरफ को आएगा, किसी इस तरफ को आएगा ये, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट पार्ट विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो यहाँ OH लगेगा, ये OH लग गया, 2-methyl propane 2-ol यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल हमारे पास बन गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, भाइल एडिशन ऑफ HOH या HCl या HBr टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, अब एडेंडम है हमारे पास HOH, इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो OH, विल गो टू दैट पार्ट विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जो बीच में टर्सरी कार्बन है, बीच वाला कार्बन, इसके ऊपर OH ग्रुप लग जाएगा हमारे पास। तो रिएक्टिव एल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल एडिशन होती है। अब देखिए, ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि 2-methyl propene, HOSO3H यानी कि ये H2SO4 है, H2SO4 है। अब दो तरह से रिएक्शन होगा, एक इस पे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आएगा और दूसरा बीच वाले कार्बन के ऊपर OSO3H आएगा, और दूसरा साइड वाले के ऊपर OSO3 और बीच वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन। तो H2O के साथ बॉयल करेंगे तो प्रोपेन 2-ol आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसको बॉयल करेंगे तो प्रोपेन 2-ol। तो अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, अब इसमें भी देखिए H पॉजिटिव प्लस OSO3H नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट पार्ट विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये इस तरफ को आएगा और नेगेटिव पार्ट यहाँ आएगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ आएगा, तो हमारे पास प्रोपेन 2-ol
ओल बनेगा, प्रोपेन टू ओल बनेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन ऑफ एच ओ एस ओ थ्री एच होता है। अब ये हमारे पास मार्कोनिकोफ रूल है, भाइल एडिशन टू एन अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब पहले मैंने बोला नेगेटिव पार्ट, तो वो लेसर हाइड्रोजन एटम, और पॉजिटिव पार्ट ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए ये प्रोपीन है, वाटर मॉलिक्यूल, अब लेसर नंबर ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ है, तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा, तो ये सी एच थ्री होगा, प्रोपेन टू ओल। और ये देखिए टू मिथाइल प्रोपीन है, अब इसमें भी यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो एच टू ओ में जो ओ एच है वो इसके इस कार्बन के पास जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल, यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये था मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। नेक्स्ट है हमारा इसी में ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन यानी कि डाइबोरेन, BH3 से डाइबोरेन बनती है। एल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF। व्हाट इज THF? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन्स विच अपॉन सब्सटीक्वेंट हाइड्रोलिसिस विद एल्केलाइन H2O गिव एल्कोहल। अब देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन हमने यहां ली, तो हमारे पास एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन क्या है भाई? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, प्लस वन क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो फ्यूरेन है या फ्यूरान है वो इस तरह से मॉलिक्यूल होता है, एक यहाँ दोनों जगह डबल बॉन्ड होते हैं। अब जब टेट्राहाइड्रो, चार हाइड्रोजन लगेंगे तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन, ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये अब देखिए दो है तो H2, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, दिस इज फ्यूरेन। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में डाइबोरेन रिएक्ट्स विद एल्कीन्स। अब देखिए BH3, प्रोपीन रिएक्ट्स विद BH3 यानी कि डाइबोरेन B2H6, BH3, ये दो मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर के बनाते हैं B2H6। तो टेट्राहाइड्रोब्यूरेन फ्यूरेन में एक हाइड्रोजन निकल गया, ध्यान दीजिए ये डबल बॉन्ड टूटेगा उसी तरह से, ये डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन की तरफ को आएंगे, इस कार्बन की तरफ को आएंगे तो ये जो बोरोन है ये इस पे आएगी और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3CH2CH2BH2 प्रोपाइल बोरेन। अब प्लस एक और मॉलिक्यूल एल्कीन का यानी कि प्रोपीन का टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में हाइड्रोब्यूरेशन हुई और एक हाइड्रोजन दोबारा निकल गया और हमारे पास CH3CH2BH, फिर एक और हमारे पास प्रोपीन गई और CH3CH2CH2 तीन, यानी कि तीन हाइड्रोजन हट करके तीन प्रोपाइल ग्रुप बोरेन के साथ लग गए। तो एक बोरेन लगी, फिर दूसरी बोरेन लगी यहाँ पे, फिर तीसरा हाइड्रोजन बोरेन का निकला और हमारे पास ट्राई प्रोपाइल बोरेन हमें मिल गई। अब इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और इन प्रेजेंस ऑफ सम एल्कलीज प्रोपेनोल हमें मिल जाएगा और डाइबोरेन वापस मिल जाएगी। तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हुआ? H2O2 और OH एल्कलीज की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन है प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोबोरेन
प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब देखिए टू मिथाइल ब्यूट टू इन, सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे हुआ, इसको हमने एक ही स्टेप में कर दिया। तो ये देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है, तो अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे कार्बन होंगे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ गया और OH यहाँ, तो टू मिथाइल ब्यूटेन टू ओल हमारे पास बन गया, वही BH3 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड और OH। नेक्स्ट है हमारा फिर ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन, एल्कीन रिएक्ट्स विद मर्क्यूरिक एसीटेट CH3CO ट्वाइस HG, यानी कि HGOAC ट्वाइस, ये भी हम लिख सकते हैं इसको, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड THF दोबारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन टू फॉर्म ऑक्सी मर्क्यूरेशन एडक्ट विच अपॉन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड इन अल्कलाइन मीडियम गिव एल्कोहल। ये हमारे पास कोई एल्कीन है, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेशन, ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन हुआ, एक जगह OH लग गया और दूसरी जगह HgCOOCH3, यानी कि ऑक्सी मर्क्यूरिक प्रोडक्ट हमें मिला। अब फिर क्या हो जाएगा इसका, ये HgCOOCH3 बाहर निकल जाएगा और हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन है, अब हम इसका सॉरी ये कॉमन रिएक्शन है, अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं, CH3CH2CH2CH डबल बॉन्ड CH2 1 पेंट वन इन, दिस इज पेंट वन इन HgOAC ट्वाइस THF और H2O, यानी टेट्राहाइड्रोफिरोन और वाटर की प्रेजेंस में, देखिए यहाँ पे वाटर OH यहाँ पे लगा और HgOAC एक AC वाटर, यानी कि एसिटिक एसिड बाहर निकल गया, यानी कि यहाँ पे ACO ट्वाइस है, तो यहाँ पे OH लगा तो H यहाँ पे लगा होगा, तो अल्कोहल बाहर निकल गया और हमारे पास ये बन गया CH3 NaBH4 CH3CH2CH2CH CH2OH, यानी कि पेंटेन टू ओल हमारे पास बन गया NaBH4 की प्रेजेंस में। इट आल्सो फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। हम देखते हैं वन मिथाइल साइक्लोपेंटीन, ये हमारे पास मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAC ट्वाइस टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन और वाटर की प्रेजेंस में, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। अब देखिए इस वाले कार्बन के ऊपर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, H2O टूटा H+OH में, तो नेगेटिव पार्ट ही आएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल गो टू दैट पार्ट विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो OH यहां चला गया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल। HgOAC, अब AC यानी कि CH3COO और H वाटर का लगा और ये एसिटिक एसिड बाहर निकल गया, माइनस CH3COOH, और हमारे पास ये एडिशन प्रोडक्ट बना, इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन लग गई यानी कि CH2 और वन मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल हमें मिल गया। तो ये था रिएक्शन हमारा, कौन से रिएक्शन थे ये, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन होती है फिर डी मर्क्यूरेशन होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एलिफैटिक प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स के साथ रिएक्शन करवा के भी हम अल्कोहल्स मिल सकता है हमें, जैसे प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड होता है NaNO2+HCl, यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड HONO, यहाँ पे बनेगा हमारे पास HONO, सॉरी थोड़ा सा HONO, यानी कि HNO2, टू फॉर्म अल्कोहल विद इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब देखिए NaNO2+HCl, ये HNO2 मिलेगा हमें और सोडियम क्लोराइड हमें बाहर निकल गया। अब देखिए ये प्राइमरी अमीन है RCH2NH2+HNO2,
गिविंग यू आर सी एच टू ओ एच प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर। अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं नीचे, देखिए आर सी एच टू एन एच टू। अब ये एच एन ओ टू को हमने एच ओ एन ओ, यहाँ से एन एन आपस में मिल करके नाइट्रोजन गैस बना दी, आर सी एच टू ओ एच एल्कोहल बना दिया और एच टू ओ वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास मिल गया। जैसे एमिनो इथेन है एच ओ एन ओ के साथ रिएक्ट किया, एच ओ एन ओ हमारे पास एन एन ओ टू और एच सी एल से मिला और इथेनॉल यानी कि इथाइल एल्कोहल मिल गया हमें, नाइट्रोजन गैस और फिर वाटर। अब दूसरा देखते हैं टू अमीनोमीथेन, इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से N की जगह OH लग जाएगा, तो ये प्रोपेन टू ओल, ये भी यहाँ पे एन ए एन ओ टू प्लस एच सी एल की प्रेजेंस में और वाटर और नाइट्रोजन गैस हमारे पास मिल गई। दीज आर द मैथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, दीज आर द मैथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। स्टूडेंट्स आपने अच्छे ढंग से इन मैथड ऑफ प्रेपरेशंस को ये लर्न करना है, नोट्स बनाने हैं, और अगर आपने मेरा पहला वीडियो यानी कि एल्कोहल फिनोल और इथर्स का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपने उसको ज़रूर देखना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अच्छे ढंग से आपने तैयारी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।